नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 के लिए आरसीबी टीम ने पहली बार ट्रेनिंग कैंप में पहला सेशन किया है, जिसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेशन में कौन कौन से खिलाड़ी रहे शामिल, कैसे जो है आरसीबी टीम ने अभ्यास किया, इसके बारे में डिटेल में हम सारी बातचीत आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वहीं आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ जो है आप आरसीबी टीम के ट्रेनिंग कैंप को लाइव देख सकते हैं, इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो भाइयों, वीडियो को जो है लास्ट तक देखेगा। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कल जो है आरसीबी टीम का पहला ट्रेनिंग सत्र होने वाला था, और ये हुआ भी। इस ट्रेनिंग कैंप के पहले सेशन में आरसीबी टीम के कई खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें दोस्तों ट्विटर हैंडल पर देखा जाए तो उसमें आरसीबी टीम ने कई खिलाड़ियों की तस्वीरें भी शेयर कर दी थी। इन तस्वीरों में पहले तो कप्तान फैफ डुप्लेसिस, दूसरे सुरेश प्रभुदेसाई, तीसरे सिद्धार्थ कौल, वहीं चौथे खिलाड़ी के तौर पर महिपाल लोमरोर नज़र आ रहे हैं। ये सारे ही खिलाड़ियों ने आरसीबी टीम के लिए कल जमकर अभ्यास किया। हालांकि फिलहाल तो फ्रेम में यही चार खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोस्तों शायद से और भी खिलाड़ी जैसे लोनी सिसोदिया हो गए, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया होगा आरसीबी टीम के ट्रेनिंग कैंप में। साफ देखा जा सकता है दोस्तों कि फैफ डुप्लेसिस नेट्स में जमकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे और अच्छे से शॉट्स भी खेलते हुए नज़र आ रहे थे। अगर आपने इस ट्रेनिंग कैंप को मिस कर दिया है तो दोस्तों आज जो है आज का ट्रेनिंग कैंप मिस मत कीजिएगा। इसे आप जो है आरसीबी टीम की ऑफिशियल ऐप पर लाइव देख सकते हैं, वहाँ पे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जहाँ पर दोस्तों लाइव दिखाया जाएगा आपको कि खिलाड़ी क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी अपने पसंदीदा आरसीबी टीम के प्लेयर को बैटिंग या फिर गेंदबाजी या फिर फील्डिंग करते हुए देख सकते हो आरसीबी टीम की ऑफिशियल ऐप। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा प्ले स्टोर पर जाना है, आरसीबी टीम टाइप करना है, इसका ऑफिशियल ऐप आपको पहले स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसके बाद इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप साइनअप करोगे। साइनअप करने के बाद जो भी टाइमिंग रहेगा प्रैक्टिस मैच का या फिर ट्रेनिंग सेशन का, उसी टाइम पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और आप जो है लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, कल पहली बार जो है आरसीबी टीम के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया और कुछ खिलाड़ी वहां पर जमकर अभ्यास करते हुए नजर आए थे। वहीं सवाल ये भी है कि बाकी सभी खिलाड़ी आरसीबी टीम के स्क्वाड को कब तक ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कि विराट कोहली हो गए, सिराज हो गए, ये सारे ही खिलाड़ी कब तक आरसीबी टीम के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। तो भाइयों, अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है आईपीएल 2022 शुरू होने में, इसलिए बहुत जल्द ही ये खिलाड़ी भी आरसीबी टीम के स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले एक या दो दिनों में लगभग सारे ही खिलाड़ी वहां पर आरसीबी टीम के स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद वो भी आरसीबी टीम के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे और हमें जमकर अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि आखिरकार आरसीबी टीम प्रैक्टिस मैच कब खेलेगी। तो भाइयों, प्रैक्टिस मैचेस खेलने के लिए आरसीबी टीम का वहां पर पूरा स्क्वाड होना ज़रूरी है, तभी दो टीमें बन पाएंगी और दो टीमों में अभ्यास मैच खेला जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी। जब सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो जाएंगे तभी शायद हमें प्रैक्टिस मैच देखने को मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।